हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? मैं सोनिया शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। और आज मेरा काम हो गया था कंप्लीट 11 बजे, तो वही मैंने पहनी है साड़ी और मैं अब लगा रही हूँ नेल पेंट ब्लैक कलर की और लिपस्टिक लगा रही हूँ बेबी पिंक कलर की। तो बस मैं ये लगाने के बाद अब करूँगी कंघी। और आप भी अपना काम कर दीजिए, ब्लॉग को लाइक कर देना आगे देखने तो पहले, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जो चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस साथ के साथ कर दिया करो ताकि हर वीडियो हर व्लॉग आप तक पहुंच सके। और आज के व्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी 2 टिप्स और 32 के फार्मूले में खाना कैसे खाते हैं। तो प्लीज़ पूरा आप लोग ने देखियो जी लास्ट तक, है ना, तो देखोगे तभी पता चलेगा। तो 32 का फार्मूले में खाना कैसे खाते हैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। अब मैं रेडी होकर आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं किचन में आप सभी को ना बहुत ही अच्छी बात बताऊंगी, बहुत ही बेस्ट टिप्स दूंगी। तो उसमें क्या, देखो जैसे ये हमारा ये ना हरा धनिया है, हम इसको ले आते हैं और फिर इसको हम रखते हैं ना तो 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, गल जाता है अपने आप ही। मैं कैसे स्टोर करती हूँ हरे धनिया को मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये एक बॉक्स है प्लास्टिक का, ऐसे बॉक्स आते हैं ज़्यादातर हम फेंक देते हैं, यूज नहीं करते उनको, तो ये बॉक्स हमें वॉश कर लेना, अच्छे से वॉश करके उसको सुखा के और फिर रख लेना है। अब जैसे ये हरा धनिया है इसको लेके आए हैं, तो इसको सबसे पहले जो इसकी जड़ें हैं ना इनको अलग कर लेते हैं। ये जड़ बिल्कुल अलग हो गई है और ये बच गई है हरी टहनिया। पीली पत्ती होती है, थोड़ी सी गली हुई पत्ती होती है, तो वो हम अलग कर लेंगे। ये जो बॉक्स है ना इसके अंदर ऐसे ही रख ले, इसको धोना नहीं है, पानी नहीं लगाना है बिल्कुल भी, क्योंकि पानी लगाएंगे तो ये और गल जाएगा। और ऐसे की ऐसा आप इसको रख देंगे फ्रिज में, जब भी हमें ये यूज करना है इसको निकालेंगे, वॉश करेंगे और काट के और फिर हम इसको यूज कर लेंगे, तो ये 1 महीने तक खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। इसके अंदर हरी मिर्च भी रख सकते हैं हम। मैं तो ऐसे स्टोर करती हूँ हरे धनिया को, आप किस तरीके से स्टोर करके रखते हो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी ये यहाँ पर पति देव ले आए थे आम, तो मैंने सोचा साथ के साथ इनको धो कर रख दूंगी फ्रिज में, नहीं तो ये चिल्लाने लगेंगे हमें अपनी जगह पे पहुँचाओ, है ना, किचन में गर्मी में ये कब तक रहेंगे, तो भाई इनको भी अपनी जगह चाहिए। और ये करेंगे अब फ्रिज में ठंडे हो जाएंगे और रेस्ट करेंगे ये। और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि वीर ना बहुत करता है कि मम्मी मैंगो शेक चाहिए, अगर वीर की चलती ना तो वीर 2 टाइम बनवा ले, वो तो मैं एक ही टाइम बनाती हूँ इसके लिए शाम के टाइम। तो बस जी ये 4 गिलास बनाए हैं, तो हम 4 ही बंदे हैं, और ऊपर से इसमें मैंने डाले हैं काजू और बादाम कस के आज, तो ये घिया कस में से ऐसे कस के डाले हैं। और वीर को देखो गाइस, आज ये मैंगो जूस पी लीजिए, बहुत टेस्टी बन रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं एक जग भर के पीऊँ। ये अपने पापा जी को दिया, बखेर मत दियो। और जिस सभी के साथ मैंगो सेक पी के और फिर बातें करके कुछ देर बाद सब अपने रेस्ट कर रहे हैं, और मैं दोपहर में लगी हूँ फिर अपना कुछ नया काम ढूंढने। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, गर्म पानी करके लेके आई हूँ, और ये मैंने अपने जितने घर में कोम्ब थे सभी इकट्ठे कर लिए हैं कंघे, तो वही सारे इकट्ठे कर लिए हैं और ये गंदे हो रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सुबह कंघी करी तो मैंने देखा कि भाई गंदे हो रहे हैं, तो मैं आज इनको साफ करूँगी ज़रूर। अब ये मैंने डाला है अपने बालों में, जो भी आप अपने हेयर में शैम्पू यूज करते हैं अपना, वो इसमें थोड़ा सा डालो, गर्म पानी करना है ना। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, देखो बेकिंग सोडा भी होता है, पाउडर भी है, मैं क्या है सोडा यूज़ करना है, पाउडर यूज़ नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। और फिर हम जितने अपने घर में कोम्ब है ना सारे इसमें ऐसे डाल देंगे थोड़ी सी देर के लिए, और बस अपने 5 मिनट हम बैठेंगे आराम से, तो टीवी देख रही हूँ बैठे बैठे, और यहाँ पे 5 मिनट हो गए। तो फिर मैंने ये ली है जो बालों में मेहंदी लगाती है ना वो वाली ब्रश, कोलगेट वाली ब्रश नहीं लेनी, क्योंकि वो अंदर तक नहीं जा पाती और ये पूरा अंदर तक डीपली चली जाती है, आर पार हो जाती है दोनों साइड। तो जी मेरे तो कुंभ हो गए हैं साफ, आप भी करके देखना ज़रूर, और करके देखना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी। अब हो गया है जी मेरा लंच टाइम, और बच्चों के लिए बना दिया, बच्चे खा चुके हैं तो मैं भी खा लेती हूँ, आ जाओ आप भी खा लो। देखो मैंने क्या लिया है, एक रोटी ली है मैंने और बगैर चुपड़ी, घी नहीं लगाया है बिल्कुल भी, दही ज़रूर लेती हूँ, दही ली है। आज मेरा ना कुछ मीठा खाने का मन था तो मैंने थोड़ी सी शक्कर ली है बगैर घी की, चीनी में और शक्कर में बहुत फ़र्क होता है, गुड़ खा लेना चाहिए लेकिन चीनी कम खानी चाहिए।
ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ तो सभी खाते हैं, लेकिन एक लिमिट में, कहते हैं ना कि लिमिट से ज़्यादा कुछ भी हो जाता है, मीठा हो या खट्टा हो जहर बन जाती है वो चीज़। सैलेड लिया है, थोड़ी सी सब्जी ली है, सब्जी आलू की ली है, तो आलू में भी आपको फैट होता है कि भाई आलू की सब्जी खाकर वेट लॉस कैसे। तो देखो खाना चाहिए कम मात्रा में, सप्ताह में 2 बार आलू भी खाने चाहिए उबले हुए, अगर हमें वेट लॉस करना है ना, जैसे हम अंडे यूज़ करते हैं ऐसे आलू को भी खाना चाहिए उबले हुए को। तो सबसे पहले खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, आराम से बैठ जाते हैं। पता है क्या होता है, हम इतना काम करके इतनी टेंशन होती है हमारे माइंड में, ये करना है वो करना है, मतलब बहुत सारी, देखो ऑफिस से आते हैं या हाउस वाइफ है, घर का बहुत सारा काम होता है, बच्चे हैं, बच्चों पर भी आज के टाइम में ये नहीं है कि बच्चे कुछ काम नहीं करते, बहुत ही उनके माइंड पर प्रेशर होता है पढ़ाई को लेकर, खेलने को लेकर, कि खेलने का टाइम नहीं मिलता, आजकल के बच्चे तो गेम भी खेलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को भी सिखाना चाहिए, जैसे आप खाना ले लिया है, हमें जो भी हमारे माइंड में चल रहा है सभी चीज़ों को एक साइड रख दो, कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दो, जैसे कुछ है नहीं लाइफ में, बस मैं हूँ और सामने ये खाना है और बहुत ही टेस्टी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एकदम रिलैक्स हो जाना है अपने माइंड को, आराम से बैठते हैं 2 मिनट के लिए मौन साइलेंट एकदम। अब ये जो मैं 2 मिनट साइलेंट बैठी हूँ, इससे क्या है हमारे आसपास का जो वातावरण है वो शांत हो जाता है, और शांत कैसे होता है, जब हम अच्छे से आराम से बैठकर परमात्मा को याद करते हैं कि हे परमात्मा, हे परमपिता, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा इतना टेस्टी खाना मेरे को दिया, उसको हम प्रणाम करते हैं, और जो भी गलत वाइब्रेशन होती है वे हट जाती है, पॉजिटिव हमारे माइंड में हम सोचते हैं तो पॉजिटिव ही सब कुछ आता है। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से खाने को देखना है, और फिर एक टुकड़ा जो सबसे पहले हमें निकालना है, जिसको भी आप मानते हो, अपने जिस भी इष्ट देवता को मानते हो उसका ये निकाल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये जो रोटी है ना, ये 32 का जो आपको फार्मूला आज मैं बता रही हूँ, ये रोटी है, इसको 20 में से ऐसे कट कर लेते हैं, ऐसे रख के ना, ये देखो 1, 2, 3, 4 और ये 4 4 8 यानी 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ऐसे इनको तोड़ते जाएंगे, 32 टुकड़े कर लेने हैं ऐसे, जब 32 हो जाते हैं तो एक उठाना है और ये इतना छोटा टुकड़ा, इसको मुंह में लेने से पहले, क्योंकि देखो खाते हैं तो उस टाइम बोलते नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मुंह में लेंगे उसके बाद मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो जो एक टुकड़ा है बड़े आराम आराम से 32 बार हमें चबाना है, इसको ना एकदम लिक्विड में बदल देना है, चबाते रहना है 32 बार, काउंटिंग करनी है, और उसके बाद आप फील करोगे कि ये जो रोटी है आलू के साथ ये मीठी हो चुकी है, मतलब बहुत ही मीठी, जैसे इसमें चीनी मिक्स कर दी हो या गुड़ मिक्स कर दिया हो। तो आराम से चबाते जाना है, चबाते जाना है, और किस तरीके से आप देखो, वो इस तरीके से चबा लेनी है। जब हम खाते हैं ना तो अंदर ये लिक्विड हो जाता है, तो उसको फील करना होता है। देखो सभी थॉट एक साइड रख दिए, फिर बस खाना और मैं, तो बस इसी तरीके से खाना है, और बीच बीच में सैलेड, इसको भी ऐसे ही 32 बार चबाना है, जितनी बार भी हम जो चीज़ अपने मुंह में डालते हैं उसको 32 बार चबाना है। ये हमें जो दही ली है ना, इसको भी आराम से, ये नहीं कि चम्मच भरी और पी गए, आराम से अपने पहले मुंह में घोल लेना है अच्छे से, और आराम से ऐसे ही खाना खाना है। ऐसे जब आप खाना खाओगे, जो लिक्विड बन के खाना हमारे पेट में जाएगा, तो जो हमारी पाचन क्रिया है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो नहीं बनेगा। पर हम ऐसे कि ऐसे जैसे ये पूरे ऐसे हम सटक लेते हैं पूरा टुकड़ा, तो लीवर पर ना जोर पड़ता है, इस वजह से लिक्विड में हम अपने पेट में डालते हैं तो उसको बड़ी आसानी होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, और जो हमारी पाचन क्रिया है वो हमेशा मजबूत रहती है, वो मजबूत रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और फैट नहीं बनता ऐसे। तो सबसे मेन बात है कि ऐसे फैट नहीं बनता, आप कुछ भी खाओ, आप शाम के टाइम इग्नोर करो, नहीं खाना चाहिए, मैं दोपहर में एक टाइम खा रही हूँ आप, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, और शाम के टाइम जब हम नहीं खाते हैं तो रात को
कई बार नींद नहीं आ पाती तो उस टाइम आप जूस ले लो, कुछ हल्का फुल्का वैसे ले लो, खाना इग्नोर करो ना जी। तो बस अभी खा लेते हैं खाना, और बाकी वही कल की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी है थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो बनता है, और वही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर दियो साथ के साथ, फिर भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ बात बातों में। और बस आज के लिए था इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी सभी को, बाय बाय।